बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम राम रटते रहो जौलू घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के शोभन क पड़ेगी कान। तुलसी कृति रामायण कथा करम हनुमान, आइए आसन बैठिए पवन पुत्र महाराज। राम कथा जहाँ कोई कहत ताहता पवन कुमार, सिर पर अंजुल धर सुनत इनके नैन बहत जल धार। बोलिए सियावर राम चंद्र की। तो किसी ने कहा है संप्रथम कथा शुरू होने से पहले वो भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्यों लिखा भी है कि पग पवित्र तीरथ गहे कर मुरली कर दान, मुख पवित्र जब होए गो जब भजले सीता राम। पहले दो लाइन का गुणगान, उसके बाद में कथा प्रसंग। श्याम भारत में आजा, श्याम भारत में आजा, मुरली बजाए दे कई बार। श्याम भारत में आजा, बंसी बजाए दे कई बार। श्याम तोय मीरा रैया पुकारे, श्याम तोय मीरा रैया पुकारे। अरे नक अमृत पिलाए दे, अरे नक अमृत पिलाए दे, बंसी बजाए दे कई बार। श्याम तोय नरसी रे पुकारे, श्याम तोय नरसी रहे पुकारे। अरे नक भात भराए दे, अरे नक भात भराए दे, बंसी बजाए दे कई बार। श्याम तोय द्रौपदी रही पुकारे, ए जी श्याम तोय द्रौपदी रही पुकारे। अरे नक शिर बढ़ाए दे, बंसी बजाए दे कई बार। श्याम भारत में आजा, श्याम भारत में आजा, बंसी बजाए दे कई बार। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। देखिए भगवान जब वन के लिए अयोध्या से चले, भगवान राम सीता लक्ष्मण जी अयोध्या से चले तो भगवान ने एक बात कही, प्रणाम किया
अपनी जन्मभूमि को और कहा, हे जन्मभूमि, मैं 14 वर्ष के बाद में आऊंगा तो पुनः तुमको नमन करूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि छोड़ चले रजधानी, तीनों छोड़ चले, छोड़ चले। भगवान राम कहने लगे, हे जन्मभूमि, अरे खूब खायो मैंने दानो पानी भैया, खूब खायो मैंने दानो पानी भैया, तो छोड़ चले अपनी राजा दशरथ ने कहा, मंत्री सुमंत, मेरे कहने से आप रथ को लेकर के जाइए और राम और सीता जी को 2-4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। आज देखिए राम और सीता जी वन के लिए चले। आज श्रृंगवेरपुर में पहुंचे भगवान, कहने लगे, हे राम, मंत्री सुमंत कहने लगे, हे प्रभु, महाराज दशरथ ने मुझसे ये कह दिया था, 2-4 दिना वन में घुमाइयो राम को, फिर वापस अयोध्या ले आना। मेरे कहने से सुमंत कहने लगे, आप घर के लिए अयोध्या लौट चलो। भगवान राम कहने लगे, हे मंत्री सुमंत, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्षों के बाद में अयोध्या में आऊंगा। अब नंबर आओ सीता जी पे। सुमंत कहने लगे, हे सीता जी, मेरा कहना मान करके तुम अयोध्या लौट चलो। सीता जी कहने लगी, सीता जी कहने लगी, हे मंत्री सुमंत, हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम अयोध्या चलने के लिए तैयार आए। सुमंत बोले, कौन से 3 प्रश्न? सीता जी बोली कि एक तो सूर्य और चंद्रमा को इकट्ठा कर दो। मंत्री सुमंत कहने लगे, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आज सुमंत कहने लगे, दूसरा प्रश्न बोलो साहित्य सरल होए। सीता जी ने कहा कि आकाश और पृथ्वी को इकट्ठा कर दो। सीता जी बोली कि ये नहीं हो सकता है। अब सीता जी से फिर सुमंत ने कहा, मेरे कहने से तुम अयोध्या वापस चलो। लेकिन सीता जी बोली, मेरा 3रा प्रश्न है, आप वृक्ष से छाया अलग कर दो, वृक्ष से छाया अलग कर दो। सुमंत कहने लगे, यहां वृक्ष रहेगा वहां सीता जी रहेंगे। आज देखिए मंत्री सुमंत चुप रह गए। अब नंबर आया लक्ष्मण जी पर, लखनलाल तुम्हें ही लौट चलाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे सुमंत, मेरे कहने से आप अयोध्या चले जाओ, उसके कैसे कह देना जाकर के कैसे कह देना, कह देना जा कर के कैसे, वो भरत से राज चलाए वो, कह देना जा कर के कैसे, वो भरत
ससे राज चलाएंगे। हम कांटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज कराएंगे। आज लक्ष्मण जी ने कह दिया इस शहर में देश में नहीं रहना चाहिए जिसमें न्याय नहीं होता। इतने में बोले लखन, और जहां नहीं है न्याय तो ऐसे राजा के जहां कौन लौट कर जाए। सीता जी ने एक बात कही, हे प्रभु यदि तुम बन जाओगे तो मैं भी बन जाऊंगी। सीता जी बोली, प्रभो अरे दिल में नहीं धीर रे धरूंगी, अरे दिल में नहीं धीर रे धरूंगी रे धरूंगी। और मित खाए के अरे मैं तो खाए के जहर रे मरूंगी रे मरूंगी। आज सुमंत जी खड़े हैं गंगा के किनारे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आज बरबस राम सुमंत जी को वापिस किया भगवान राम ने, और कह दिया है सुमंत जाकर के राजा से मत कह देना कि लखन ने ऐसे कड़े वचन कहे। आज बूढ़ा मंत्री घोड़ा के रथों में बैठ करके और अयोध्या के लिए चला। बताइए घोड़ा चढ़ नहीं रहे हैं कि जासों भी होगा, जासों भी होगा विकल पशु जैसे, प्रजा मात पित जिए कैसे। आज भगवान राम के ग्रह में पशु पक्षी भी परेशान है, तो उनके माता पिता को क्या दशा होगी। सुमंत को अयोध्या भेजा, लेकिन भगवान कहां पहुंचे, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे के बरबस राम सुमंत पठारे। बरबस राम सुमंत पठाए, वो सुर सर तीर, वो सुर सर तीर याद चली आए। भगवान गंगा के किनारे आए, जहां एक केवट खड़ा है नावलय। भगवान ने कहा हे भक्तराज हमें पल्ली तरफ जाना है, हमें गंगा से पार कर दो। इतनी बढ़िया चौपाई है कि मांगी नाव न केवट आना, कहिय तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है हे प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब बताओ, केवट कहने लगा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, भगवान के मर्म को तो वो ही जानता है जो भगवान का होता है। वो केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। लखन लाल बोले हम 24 घंटा संग रहे वारे, वो मर्म तो भगवान को हम नहीं समझ सके।
कि लक्ष्मण यह मन मुन जाना कि लक्ष्मण यह ओ मन मुन जाना जो कछु चरित रचावे आज लखनलाल बोले कि 2400 घंटा संग रहने वाले वो हम भगवान का मरम नहीं समझ सके। वो केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। देखो भगवान राम गंगा के किनारे खड़े हैं। वो केवट नाव मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आ रहा। जब ज्यादा आग्रह किया केवट नाव लेकर के नहीं आया। रीतो आया और कहने लगा प्रभो मैंने अपने कानों से ताजी खबर सुनी है कि तुम्हारे न चरण में जादू है। बोले जादू है क्योंकि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण कमल रज से ही वो पत्थर की थी लेकिन वो स्त्री बन गई। आज कहने लगा प्रभु एक स्त्री के मारे तो केवट कहने लगा मैं सुबह आता हूँ और शाम को गंगा से नाव चलाता हूँ अपने घर शाम को जाता हूँ। यदि प्रभु मेरी ये नैया ये नाव यदि स्त्री बन गई तो भगवान मेरा हल्ला दुनिया में नहीं है। भगवान राम बोले हे भक्तराज तुम मेरा कहना मानो हमें देर हो रही है और पार करो गंगा से या कोई युक्ति बताओ। केवट कहने लगा भगवान केवट कह रहा है भगवान यदि तुमको गंगा से पार होना है तो उधर चले जाइए माँ इतना पानी है और आप निकल जाओगे। भगवान राम ने मन में विचार किया केवट हमसे इतनो ऊंचो बता रहा है कि इतनो पानी है कमर तक चलो हम तो निकल जाएंगे हम उनसे छोटे लक्ष्मण जी तो बिन की नार तक पानी बनेगा वो सीता बिनते हो छोटी तो सीता जी तो बना गड़ा गुप्त हो जाएगी। इसीलिए केवट कहने लगा प्रभु उधर देखो। भगवान राम कहने लगे भक्तराज तुम इतनी स्त्रियों से क्यों डर रहे हो। केवट कहने लगा प्रभु तुमने सौतेली कथाएं ना सुनी राम कहने लगे भक्तराज एक आध हमें सुनाओ। केवट कहने लगा प्रभु केवट के राय भगवान यदि राजा दशरथ के तीन रानी न होती तो प्रभु काय करते केवट का निहोरा। मेरे कहने से भगवान तुम अयोध्या ज्यादा दूर नहीं अयोध्या लौट जाइए। अब तुम लौट जाओ भगवान जी अब तुम लौट जाओ भगवान और के पट मारत भरी बनी ताना लक्ष्मण जी बोले खबरदार केवट यदि तूने अब की ऐसी बात दशरथ तक पहुंच गया अयोध्या पहुंच गया यदि तूने अब की बार ऐसे वचन कहे तो मैं एक ही बाण में तुझे तार दूंगा। केवट बोला
हे लक्ष्मण जी, यदि तुम मुझको मार दोगे तो बहुत बढ़िया जगह, ये गंगा के किनारे मर जाऊंगा, भगवान राम के भैया के हाथों मैं मर भी जाऊंगा और तर भी जाऊंगा। कहने लगा केवट, यदि पार होना है प्रभु तुम्हें मेरी नाव से तो तुम अपने पैर धुलवाओ, अपने पैर धुलवाओ। देखिए भगवान राम सोचे कि यदि वोई भगवान विष्णु जिनके चरण से गंगा निकली है वो आज केवट का निहोरा कर रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि इतते उठाए इतते उठाए उते दर देते, सीता जी को यदि हमने गोद में ले लिया तो केवट खड़ा है, ये कहेगा भगवान राम ने सीता जी को गोद में लेकर के पल्ली पार निकाल दिया। लेकिन भक्त कहने लगे, भगवान ये हमारा भक्त है कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा के हिसाब से हमारे सूर्य बाबा ऊपर तप रहे, वो देखेंगे हमारे बेटा राम ने बेटा नाती ने अपनी बहू को हाथ गोद में ले लिया। इसलिए केवट कहने लगा, प्रभु यदि तुम्हें पार होना है गंगा से तो हमें पैर धुलवाओ, तब मैं गंगा से पार कर सकता हूँ। राम ने मन में विचार किया, अरे जी तो ऊपर ऊपर तपते हैं सूर्य करारे, भानुवंश सिंह बाबा हमारे, आज कहने लगा यदि तुम्हें पार होना है तो मेरी नाव में बैठो। भगवान कहने लगे, हे भक्तराज मुझे पार होना है, भक्त तो भक्त ही है और देखो आजकल के दानी हैं, आजकल के दानी हैं, ऐसे ऐसे दानी हैं। आप लोगों ने राजा शिव की कथा सुनी होगी, राजा शिव ने एक कबूतर के पीछे अपने प्राण नौछावर कर दिए। आज भगवान कह रहे हैं, हे भक्तराज हमें पार करो। केवट कहने लगा, प्रभु मैं खटौता लेकर के आता हूं, तुम जा खटौता में आपको चरण रखूंगा, उसके बाद में आपके चरण धोऊंगा तो मैं नाव में बैठा के आपको पल्ली पार कर दूंगा। आज देखिए भगवान केवट खटौता भर के लाया और भगवान के चरण धो रहा है, धन्य भक्तराज भगवान के चरण धो रहा है। चरण धो करके सीता और राम के लक्ष्मण जी के ओजा केवट ने अपनी नाव में बैठारा, अपनी नाव में बैठारा और जे लेकर के बीच गंगा में जैसे ही चला और जाने बल्ली निकाल के रख दी। राम कहने लगे, हे भक्तराज क्या हमें गंगा में डुबोगे? केवट कहने लगा, भगवान जा किसी की नैया यद भंवर में पड़ जाती है तो ये कहता है प्रभु मेरी अब नाव को बचा लो, और जा नाव में स्वयं भगवान बैठे हैं
तो फिर बल्ली की क्या जरूरत है। देवट कहने लगा, प्रभु चिंता न करो। केवट ने बल्ली निकाल के रख दिया और कहने लगा, केवट ए नैया लगा देओ पारे समरिया, मेरी नैया लगाई दियो पारे। ए नैया लगाई दे पारे समरिया में, नैया लगाई दियो पारे। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवन आरो जात मजदार दास की, नैया लगाई दियो पारे। चारों ओर घोर अंधियारा, भारत देश में यदि मेल नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया में। किसी ने कहा भी है, जिस गांव में मेल नहीं होगा वो गांव सदा दुख पाएगा, जिस जात में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा। जात में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी, जिस घर में मेल नहीं होगा वो घर हमेशा रोवेगा। कहा भी ये, फूटई के कारण लुटिया डोर महाभारत की डूब गई, फूटई के कारण लुटिया डोर महाभारत की डूब गई, फूटई के कारण गोली इंद्रा में लगाई थी, फूटई के कारण सीताराम वन को चले गए। फूट यदि भारत में आई न होती तो कलह भाई भाई में मची होती। कहा भी है, ये बड़ा बुरा वक्त आ गया है कि ऐसो आयो समय न होती रे वृद्धों की रे सेवा, और दस पुत्रों में बड़े बड़े परिवार में से ददा